अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। आज हम लोग स्पोर्ट्स फ्लोर में डिस्कस करें पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान सेकंड टेस्ट का डे टू। पाकिस्तान का स्कोर इस वक्त है 121 for 2। जस्ट अ क्विक अपडेट मैं आपको स्कोर की दे रही, बट व्हाट हैपेंड टुडे इन केस आपने मिस आउट कर दिया। अर्ली ऑन पाकिस्तान टीम वर बैटिंग फर्स्ट ऑफकोर्स, और अब्दुल्ला शफीक को हमने ओपनिंग ओवर में ही यू नो ही वॉज आउट इन द मॉर्निंग सेशन, मगर उसके बाद पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छा यू नो समवर कम बैक किया, सेटल डाउन, दे सेटल डाउन रियली वेल। एंड यू नो व्हाट इज द स्कोर राइट नाउ, जैसे आपको होता है 121 for 2, मगर अब्दुल्ला शफीक के बाद आई थिंक बमर था आफ्टर लंच, बिकॉज कैप्टन शान मसूद जिन पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई स्कोर हाफ सेंचुरी, मगर वो LBW हो गए एंड ही ऑल्सो लॉस्ट रिव्यू, तो वो 57 पर आउट हो गए। साउद शकील लुक्स सॉलिड एंड लेट्स होप कि अभी कुछ ज़बरदस्त देखने को मिले बाय हिम। वो एंड ही स्टैंडिंग, सॉरी माफ़ करिएगा, साइम अयूब, मैंने गलती से साउथ शकील बोला, तो साइम अयूब इज देयर विद 58, सो वी आर होपिंग टू सी मोर फ्रॉम हिम। एंड उनका साथ दे रहे हैं बाबर आजम, एंड लेट्स सी कि अब बांग्लादेश क्या करता है। एंड द बिग क्वेश्चन इज, आई थिंक सबका इंटरेस्ट है कि हाउ इज़ द पिच, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग भी थोड़े से इमेजेस अभी देख रहे हैं, हमें थोड़ी पिछली से कंपेयर करते अगर करें पिछली पिच से, सो देयर इज ग्रास देयर, सो इज देयर एनी सीम, आई डोंट सी दैट, यू सी दैट लिटिल सीम मूवमेंट, नो दैट एक्स्ट्रा बाउंस, वो हमें कुछ नहीं देख रहा, बट अभी कैसी है पिच आई थिंक हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, मेरे साथ है टेस्ट क्रिकेटर MS शहजाद, थैंक यू जेंटलमैन फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड वी हैव टू सॉलिड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी एंड सैयद याह हुसैनी। सो MS, इसका लेट्स कम टू यू फर्स्ट, थोड़ा सा पिच पे बात करते हैं एंड ओवरऑल जस्ट टेस्ट मैच सो फार। जी देखिए, पहला दिन तो वॉश आउट हो गया, और अगर आप पिंडी का वेदर भी देखेंगे, थ्रू आउट क्लाउड कवरिंग रही है, बारिश होती रही है, और उसके बावजूद ग्रास कवर भी है, लेकिन हमें उस तरह की सीम मूवमेंट देखने के नहीं मिली है। यही होता है मानसून के वेदर पे पाकिस्तान के अंदर, कि आपको बहुत यू नो शातिर नातिर होता है कि आपको सीम मूवमेंट देखने को मिलती है, लेकिन अगर दूसरी एंड देखें तो पाकिस्तान का अब्दुल्ला शफीक का जीरो पे, एक और जीरो पे आउट होने के बाद जो पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया, दैट वाज रियली गुड। नो सॉरी अहमद, व्हाइल यू टॉकिंग मैं कंटिन्यू करते रहे, बट जस्ट बताऊं कि साइम अयूब भी आउट हो गए, सो आई वाज होपिंग मोर फ्रॉम हिम, बट वो थोड़ा सा एक मिक्सअप हुआ है, व्हाट हैपेंड हम भी देख रहे हैं, जस्ट वेटिंग फॉर दैट रीप्ले, बट यस कंटिन्यू अहमद, नाम आपको दिखाएंगे भी। जी जी, जो स्टार्ट के बाद जिस तरह शान मसूद और साइम अयूब ने खेले हैं, पूरे तरीके से उन्होंने फायदा उठाया लूज बॉलिंग का, जहां पे भी उनके एरिया में बॉल आया उसको कैपिटलाइज किया है, दोनों की शेप बड़ी जबरदस्त नजर आई है, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट में जो थी वो बहुत एक एनर्जी नजर आई है, लग रहा था कि दे मीन बिजनेस। और बांग्लादेश के पहले मैच में डिफीट के बाद यू नो लग रहा है कि काफी ज्यादा मीटिंग हुई है, काफी ज्यादा डिस्कशन हुई है, और वो बॉडी लैंग्वेज शान मसूद और साइम अयूब की तरफ से आज हमें देखने को मिली है। एब्सोल्युटली, एंड देयर इज अ यू नो गुड रोटेशन एज वेल जो हम लोग देख रहे थे, बट साइम अयूब अनफॉर्चुनेटली इतनी तारीफों के बाद आउट हो गए। बट सिको, यू वांट टू कंटिन्यू अबाउट द पिच एंड व्हाट डू यू सी? आप कह रहे हैं ना कि मतलब अच्छे खेल के, मैं खुदा की मतलब अगर आप मैं कोच हूं ना, इस शख्स को अगले मैच में ड्रॉप कर दूं। किसको? साइम अयूब। व्हाई? फॉर हाउ ही गॉट आउट राइट नाउ? कोई शॉर्ट है टेस्ट क्रिकेट? मैं पहले प्रोग्राम में आपसे पहले मैच के बाद क्या बोला था, ये लड़के भूल गए कि टेस्ट क्रिकेट कैसे खेली जाती है। ये टेस्ट क्रिकेट है यार, मतलब है कि कोई दुख है, आपका पहला दिन है, आपने एक बड़ी इनिंग क्रिएट करनी है, आपने 56 रन कर लिए हैं या 51 रन, 57 रन, नहीं इनके कितने हैं इसमें, 58 कर चुके हैं, आपने 100 के लिए जाओ, अब ये क्या शॉट मारा है? आप ये तो देखें कि ऐसा लग रहा है T20 का कोई शॉट आप खेल रहे हैं, कि बाहर निकल के चार कदम आगे और अंधाधुंध चला दिया, क्या आपको खेलना नहीं आता? दिस इज मतलब पैथेटिक, आई एम रियली सॉरी, अगर मैं हूं कोच तो इनको ड्रॉप करो। बट लिसन, व्हाट अबाउट अब्दुल्ला शफीक एज वेल? सिको, जिस तरह वो भी इन स्विंगर्स पे आगे वही उसका देखें आउट, हमारे जमाने में जब हम क्रिकेट खेलते थे वो कहते थे बल्ले को क्लोज टू द बैट रखो, स्पेशली देयर इज अ बिग गैप, जब आउट स्विंगर हो रहा हो, जब आउट स्विंगर होता है तो यू कीप द बैट क्लोज टू योर बैट, ताकि जो अच्छा गेंद है निकलता जाए, अंदर आ जाए तो आपका बल्ला वहाँ मौजूद होना चाहिए, वो उन्होंने गैप दे दिया वो पहले। There was a big gap. मगर मुझे ऐसा लग रहा है पिच के बारे में, हमारे दौर में भी होता था और अब भी होता होगा, कि पिच कप्तान ने और बाबर ने मिलके बनाई है, भाई अच्छी बैटिंग विकेट बना दो, हमने रन करने, हमारे पीछे लोग लग गए, होता है। मैं आपको शर्त यह कहता हूँ, ये होता है, हमेशा हमने देखा है कि जो बैट्समैन होते हैं अपने लिए पिच बनाते हैं, तो इस पिच के ऊपर अब
सारा फोकस होगा हमारे फास्ट बॉलर्स का, हाउ दे बॉल. ठीक. एंड यू नो भट्टी साहब, आई थिंक पाकिस्तान टीम बड़ी कॉशियस होगी अब. यू नो एक डिसअपॉइंटिंग आप टेस्ट हार चुके हो, सो आई थिंक वो चाहेंगे कि हम लोग बस बैट करते रहे थ्रू आउट और एक अच्छा बड़ा टोटल लगा दे. यू नो दे डोंट वांट टू ड्रॉ, दे वांट टू विन. सो आई थिंक इंटेंशंस जो है वो अलग होंगी. देखिए फातिमा, अच्छे स्टार्ट के बाद अब तीन आउट हो गए. अब सऊद शकील और बाबर आजम में से भी खुदा ना खास्ता कोई एक विकेट गिर जाती है तो फिर तो बैटिंग लाइन पर प्रेशर आएगा. और सबसे बड़ा प्रेशर आज जब 11 अनाउंस हुई और नसीम शाह उसमें ड्रॉप हुए, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है जिसमें तीन फास्ट बॉलर मीर हमजा आए हैं, मोहम्मद अली हैं और खुर्रम शहजाद और एक स्पिनर अबरार, तो मेरे ख्याल में इन तीन पाकिस्तान के बॉलर्स ने मजमूई तौर पर 20-22 टेस्ट मैच खेले हुए. तो इतने नातजर्बाकार बॉलिंग अटैक के साथ पाकिस्तान को 20 विकेटें हासिल करना भी आसान नहीं होगा. बांग्लादेश की टीम, उसका मोरल वैसे ही हाई है, पहला टेस्ट मैच उसने जीता हुआ है और पाकिस्तान अंडर प्रेशर है. लेकिन इस पिच पर अब अगर पाकिस्तान बड़ा स्कोर कर भी जाता है, क्योंकि अब ये 4-day टेस्ट मैच है और जो वेदर फोरकास्ट बता रही है कि मंडे ट्यूसडे को फिर बारिश की पेशगोई है, तो पाकिस्तान को अब जल्दी जल्दी सारे मामला चलाने हैं. लेकिन मेरे ख्याल में बैटिंग पर तो प्रेशर था और है, लेकिन अब असल प्रेशर पाकिस्तान की इस बॉलिंग के खिलाफ है. लेकिन जो एक बड़ा सवाल आया पहले टेस्ट मैच के बाद, पाकिस्तान के जो दोनों प्रीमियर फास्ट बॉलर थे उन पर टीम मैनेजमेंट अब अदम एतमाद का इजहार कर रही है. लेकिन उसकी बेसिक वजह यह है कि ना उनकी बॉलिंग में पहले टेस्ट में स्विंग नजर आई, ना पेस नजर आई. लेकिन ये सेम चीज साइम की उसमें भी नजर आ रही है. अगर ये 4 ओवर्स के फास्ट बॉलर हैं तो है. साइम अयूब जो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, देखिए बांग्लादेश की टीम उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी पहले टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस के बाद. लेकिन फिर भी जो अपर टीयर की टीमें हैं टेस्ट क्रिकेट में, उनमें बांग्लादेश नहीं आती. अगर उन इस छोटी टीम के खिलाफ जिसने ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज तक टेस्ट जीता है, ना साउथ अफ्रीका, ना इंग्लैंड, ना इंडिया, उसके खिलाफ अगर पाकिस्तान के दो प्रीमियर फास्ट बॉलर बाहर हो गए और पाकिस्तान के ओपनर्स जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच में जीतना, 20 विकेटें हासिल करना, ये खासा मुश्किल काम है. ठीक है. अच्छा सर, यही आपका भी टेक ले लेते हैं फिलहाल स्पेशली. और जैसे बट्टी साहब बात कर, अच्छा ठीक है जी जी, ऐसे पहले के टेस्ट मैच के ऊपर बात करूं, अहमद ने कल शाम को एक धमाका किया. मैं सिर्फ अहमद के लिए कथा पेश करना चाहूंगा, फिर मैं टेस्ट मैच के हवाले से बात करता हूं. क्या हम यायो को फुल स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, क्योंकि वो शेयर पड़े? कैन वी शो हिम ऑन द फुल स्क्रीन एज़ वेल? विंडो दिखाएं या यायो को दिखाएं? मैं अहमद शहजाद के लिए ये बात कर रहा हूं कि मनसब तो हमें भी मिल सकते थे पर शर्त जी हुजूरी थी. मनसब तो हमें भी मिल सकते थे पर शर्त जी हुजूरी थी. ये शर्त हमें मंजूर न थी, बस इतनी सी मजबूरी थी. बस अहमद के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा. और मुझे बड़ा अफसोस है कि अहमद शहजाद जो है वो हिम्मत नहीं हारता, लेकिन अहमद शहजाद जो है वो सिस्टम से बहुत ज्यादा नाराज है. टेस्ट मैच की जहां तक बात है, अभी भट्टी साहब ने बात की कि हमारी टीम मैनेजमेंट ने हमारे फास्ट बॉलर के ऊपर अतम एतमाद का इजहार किया है. देखिए बात दरअसल ये है कि गहराई में जाने की जरूरत है. नसीम शाह को ड्रॉप किया गया है, नसीम शाह की फिटनेस का कोई प्रॉब्लम है? नसीम शाह को आपने वर्ल्ड T20 में भी 4 मैच नहीं खिलाए थे, उनको आयरलैंड के खिलाफ फ्लोरिडा में ड्रॉप कर दिया था कि फिटनेस का इशू है. तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है. और जो हमारी टीम के फिजियो मौजूद हैं टीम के साथ, वो क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है. अब बिल्कुल सिकंदर बख्त की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि भाई साइम अयूब तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, 250 उनके हो गए हैं. ये बेहतरीन मौका था, टेलर मेड सिचुएशन थी उनके लिए, स्टेज सेट था. मैं पहले टेस्ट मैच में भी यही बात कर रहा था कि उनको एक अच्छा मौका मिला था, उन्होंने अपने 50 करके जो है बल्ला चला दिया. आने के वक्फे से पहले जिस एतमाद के साथ, जिस हेड डाउन के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की थी, शान मसूद के बरक्स उन्होंने जो है वो विकेट पर ठहरना मुनासिब समझा था. शान मसूद के आउट होते ही उन्होंने चलाने शुरू कर दिए और ऐसा लगा कि पाकिस्तान को जो है 20 ओवर में 190 रन चाहिए. और उसके बाद अब इस टेस्ट मैच को अगर आप देख रहे हैं, सॉरी याया, हम कंटिन्यू करेंगे ना, आपसे ही कंटिन्यू करेंगे और अहमद शहजाद से भी पूछेंगे हिज टेक ऑन व्हाई इज नॉट you know he has planned not to play cricket this time around, but ke sab baatein after short break, so stay with us.
वेलकम टू जियो स्पोर्ट्स फ्लोर। और जैसे कि आपको पता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच पिंडी में हो रहा है। बांग्लादेश ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान की पहली विकेट सिफर पे गिरी, मगर उसके बाद 107 रन की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप लगी शान मसूद और साइम के दरमियान। उसके बाद फिर दो विकटें गिर गई और इस वक्त स्कोर है 139 for 3 और पाकिस्तान इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है। पाकिस्तान ने दो चेंजेस किए हैं, दो फास्ट बॉलर्स को यानी कि नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी दोनों को जगह, दो नए बॉलर्स लाए, एक मीर हमजा जो कि ऑलरेडी टेस्ट मैच दोनों खेल चुके हैं और इब्रार एक स्पिनर लेकर आए। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि 139 for 3 वाटर ब्रेक हुआ हुआ है, विकेट जो है बैटिंग लग रही है, हल्का सा ब्रेक भी है। या से हम बात कर रहे थे, मेरे जो मेहमान हैं उसमें माजिद भट्टी साहब और या और एमएच हज़ार टेस्ट क्रिकेटर तीनों मौजूद हैं। या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग नसीम शाह के ड्रॉप करने पे। डू यू थिंक कि वो परफॉर्मेंस पे है या थोड़ा सा शाहीन को भी कूल डाउन करने के लिए उन्होंने नसीम शाह को ड्रॉप किया? देखिए सिकंदर बख्श साहब, बात दरअसल ये ब्रेक से पहले भी मैं ये बात कर रहा था कि क्रिकेट बोर्ड में चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड की नहीं जाती, बहुत सारी चीज़ों के बारे में वजाहत दी नहीं जाती। तो शाहीन आफरीदी को जो आपने नहीं शामिल किया सेकेंड टेस्ट मैच में, बड़ी अजीब और गरीब सी आपने एक्सक्यूज दी कि वो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारे, उनके घर पहला बेबी हुआ है। तो पहला सवाल ही जहन में ये था कि जेसन ग्रेस्पी साहब, अगर आपने इस तनाजुर में उनको टीम में ना शामिल करने का फैसला किया तो फिर कराची से पिंडी उनको ट्रेवल कराने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब ये खबर आ रही है कि उनको वापस कराची भेजा जा रहा है, तो ये एक बड़ा अजीब और गरीब सा मामला है। फिर नसीम शाह के हवाले से, नसीम शाह शाहीन आफरीदी की अदर मौजूदगी में इस टीम के प्रीमियर फास्ट बॉलर थे, लेकिन आज अचानक इस बात का खुलासा होना कि मीर हमजा टीम में आए हैं और नसीम शाह टीम में नहीं है, तो दाल में कुछ काला है। और नसीम शाह जो कि फिटनेस मसाइल की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं, और 2023 जुलाई के बाद टेस्ट क्रिकेट में वो वापस आए थे, बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन उन्होंने पहले टेस्ट मैच में इस पिच के ऊपर ही सवाल उठा दिया था जहाँ पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा था कि ये जनाब एक ऐसा। अच्छा, नहीं, आप इसका मतलब है कि आप ये कहना चाह रहे हो जो उन्होंने पिच पे सवाल उठाया था, कहीं ये वजह तो नहीं बनी? नहीं, ये वजह नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि नसीब शाह पर अगर एतमाद ना होता तो उनको फिर 12 रुकनी टीम में। अच्छा, मैं अहमद पे, या मैं अहमद से सवाल करना चाहता हूं। अहमद, डू यू थिंक कि हम ऑलरेडी एक मैच डाउन है, तो ये जो पिच बनाई गई है इसमें मुझे तो स्पिन भी नजर आ रहा है, हमारे पास एक ही स्पिनर है इब्रार, ठीक है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, इसलिए कि आप रेगुलर क्रिकेट खेलते हो, वो अलग बात है कि आपने अभी मना कर दिया कि मैं अब फ्यूचर में नहीं खेलना चाहता इस अरेंजमेंट में, मुझे ये बताइए कि उसामा मीर हमारे जो राइट आर्म लेग स्पिनर हैं, क्या वो टेस्ट के लिए काबिल नहीं है? आप तो खेलते हैं उनके साथ। मैं उनके साथ फोर डे क्रिकेट खेला हूँ, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जिस सीजन में मैं खेला था साल पहले बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। उनके पास हाइट है, उनके पास टर्न है, वो बैट्समैन को स्लिप भी लगवाते हैं, सिली भी करते हैं, और कंसिस्टेंटली वो जो है ना एक जगह पे 4 से 5 बॉल कर सकते हैं, बुरे बॉल बहुत कम करते हैं। लेकिन सिकू भाई, यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी पाकिस्तान टीम किस हिकमत अमली के साथ जा रही है। वो टिपिकल बैटिंग पिचेस के साथ जा रही है, स्पिन पे जाना चाहती है, फास्ट में वो इस वक्त असल महमूद ने बोला था कि सॉरी मुझे है। हाँ, क्लोज करना है आपका सवाल, हम कल से ये कल सवाल उठाएंगे कि हम किस स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहते हैं। हमारे पास स्पिनर्स हैं जैसे कि अहमद शहजाद, इसलिए वो खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, वो समझते हैं कि उसामा मीर किधर हैं, वो ही वॉज अ टॉप बॉलर, उनको वर्ल्ड कप में भी ड्रॉप किया। तो खैर, एनीवे हम इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे जो तीसरा दिन होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो सेकंड टेस्ट मैच है उसका। जब तक के लिए इजाज़त है।